हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग। सो आज भी मेरे पास काफी सारी न्यूज है, सो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। ओके, देन बात करते हैं अपनी फर्स्ट न्यूज की, जो कह रही है एंड्रूबी को लेके। सो आपने इनके मुंह से कई बार सुना होगा कि ये क्रिकेट ज्यादातर नहीं देखते हैं, लेकिन इन्होंने अपनी रिसेंट वीडियो में बताया कि उन्होंने 7 साल बाद कोई क्रिकेट मैच देखा, जो कि था इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, जिसमें इंडिया जीत गई। तो इस पर रिएक्ट करते हुए एंड्रूबी ने कुछ कहा है। तो क्या कहा है आप लोग खुद देख लो वीडियो में। एंड आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि आज 7 साल बाद मैं ऐसा क्रिकेट मैच देख रहा था कोई, एंड आज ही इंडिया जीत गई। लाइक मुझे लग रहा है मैंने ही जीता ही है भाई, सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया। क्या पता मेरी आंखें ही शुभ हो। ऐसा मैं इतनी गौर से देख रहा था उसको, एंड जीत गए, देख रहे हो। लाइक ये पूरे 130 करोड़ लोगों को क्या पता हाँ कि उन क्रिकेटर्स की वजह से नहीं जीती है, मेरी वजह से जीती है। ओके, देन बात करते हैं अपनी अगली न्यूज की, जो कह रही है रोनी को लेके। तो इन्होंने आज अपने इंस्टाग्राम में एक स्टोरी डाली जिसमें कि वो बताते हैं कि वो एक शो देख रहे होते हैं जिसमें कि उनको एक प्रॉब्लम आ जाती है। तो क्या प्रॉब्लम होती है ये आप लोग खुद सुन लो। गाइज, मैं अभी काम करते करते दूसरे मॉनिटर पे एक शो देख रहा था और मैं कब से शो को सुन रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि मुझे कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा है, यहाँ पे क्या चल रहा है, क्या बातें कर रहे हैं, मुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा है इन लोग क्या बोल रहे हैं। और 8 मिनट तक देखने के बाद मैंने रियलाइज किया कि ये शो का जो ऑडियो है वो तमिल पे सेट है और मेरे को उसको हिंदी करने का था, क्योंकि मेरे को तमिल नहीं आता है। प्रो गेमर मूव गाइस, वेरी प्रो। मेरे को नहीं इनकी जरूरत है, मैं जा रहा हूँ। गुड नाइट गाइस। ओके, देन बात करते हैं अपने अगले न्यूज की, जो कह रही है टोटल गेमिंग को लेके। तो आपको पता होगा कि इनका एक मूवी रिव्यू वाला चैनल है जिसका नाम है बॉयकॉट बॉलीवुड, जिस पर वो रिसेंट लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे थे। तो वहां पर उनसे किसी ने कमेंट करके बोला कि पठान मूवी का टीजर रिव्यू करो, जिसके बाद वो बोलते हैं कि लाइव स्ट्रीमिंग में रिव्यू नहीं करूंगा क्योंकि उन्हें पहले भी 2 स्ट्राइक मिल चुकी है और यूट्यूब ने दोनों लाइव स्ट्रीम रिमूव कर दी है। बाकी वो क्या बोलते हैं आप खुद सुन लो। पठान टीजर रिव्यू करो, माँ कसम खा के बता रहा हूँ, मैंने पठान मूवी का अभी तक टीजर नहीं देखा है, मेरे को देखना है भाई, बट मैं बाद में देखूंगा। लाइव स्ट्रीमिंग पे देखूंगा तो क्या होगा पता है, मेरे को स्ट्राइक आ जाएगा। लास्ट टाइम मेरे को 2 वीडियो पे स्ट्राइक आई पड़ी है। मैं तुम्हें झूठ लगेगा तो तुम्हें मैं दिखाता हूँ, बोलो लाइव में दिखाओ स्क्रीन शेयर करके। मेरे को 2 वीडियो 2 लाइव स्ट्रीमिंग इन लोगों ने उड़ा दी है यूट्यूब वालों ने, क्योंकि मैंने उसमें ट्रेलर रिव्यू किए थे। तो अभी हम लोग रिस्क नहीं लेंगे। ओके, देन बात करते हैं अपने अगले न्यूज की, जो कि आ रही है ड्रीम को लेके। सो आपको पता होगा कि जब से इलोन मस्क ने ट्विटर को खरीदा है तब से कुछ ना कुछ बातें सामने आ रही हैं। तो इस पर ड्रीम ने रिएक्ट करते हुए ट्वीट किया और बोला, ट्विटर इज अंडर फायर एंड टम्बलर अनाउंसेस दे आर नाउ अलाउइंग न्यूडिटी, नो सीरियसली कम हियर, वी हैव डैश नाउ। ओके, देन बात करते हैं अपने अगले न्यूज की, जो कि आ रही है रेजिबल ट्विंस को लेके। तो इनको तो आप लोग जरूर से जानते होंगे, ये भी काफी पॉपुलर माइनक्राफ्ट के यूट्यूबर हैं। तो अगर तो आप लोग इनके वीडियोस को देखते हो तो आपको पता होगा कि ये लास्ट वीक से अपने चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर रहे हैं। तो क्यों नहीं कर रहे हैं इसके बारे में उन्होंने ट्वीट करते हुए बताया कि उनके ग्रैंडफादर की डेथ हो गई थी, जिस वजह से वो अपनी फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहते थे, लेकिन अब ये दोबारा से न्यू प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिए हैं और आपको इनका न्यू वीडियो जल्दी देखने को मिल जाएगा। ओके, देन बात करते हैं अपने अगली न्यूज की, जो कह रही है A1MC गेमिंग को लेके। तो इनका न्यू वीडियो आ गया है 1 मिलियन वाला और अब इन्होंने अगली वीडियो के बारे में ट्वीट करते हुए बोला, अप नेक्स्ट Dream SMP द एंड। सो हां, इनका न्यू वीडियो Dream SMP का फाइनल एपिसोड होने वाला है। ओके, देन बात करते हैं अपने अगली न्यूज की, जो कह रही है देसी गेमर को लेके। तो इनको अपनी YouTube वीडियो को अपलोड करते टाइम एक प्रॉब्लम आ रही है, जिसके बारे में वो ट्वीट करते हैं, YouTube मेरे 1080p वाले वीडियो को 4 घंटे से HD प्रोसेस कर रहा है, लगता है 4K में वीडियो बना देंगे वो लोग। जिस पर रिप्लाई करते हुए खतरनाक निशान बोलते हैं, मैं 2 बार एक्सपोर्ट करके अपलोड लगा देता हूँ, जो पहले होगा उसको रख देता हूँ। ओके, सो आज की वीडियो में इतना ही। अगला आप लोगों के पास भी कोई न्यूज है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप सबमिट कर सकते हैं।